लगातार पॉजिटिव भारत को स्वागत करछि मचिनमय प्रथमे हेडलाइंस देशरे लगातार भावे बढ़ुछि कोविड संक्रमण दिनकरे संक्रमण मामलें 22% वृद्धि सेपटे राजधानी दिल्ली में पर्यायक्रमे स्कूल खोलबा पई दिल्ली सरकार को निष्पत्ति सेप्टेम्बर 1 रु खोलिबो 9म रु 12 श्रेणी और 8 रु खोलिबो 6ष्ठ रु 8ष्ठम कोरोना कहर राज्य में करोनार दुईज शिशु कन्या मृत्यु मयूरभंज जिलूर जड़े पांच मसर शिशुकन्या कटकू अन्य जड़े शिशुकन्या मृत्यु घटी सूचना पुणि तृतीय लहर भयावहता को नहीं चेताइले विशेषज्ञ काबुल आउ एक विस्फोरण नहीं सतर्क कराइला आमेरिका आतंकवादी माने खूब शीघ्र कार बोमा सहित आउ एक विस्फोरण करने नहीं आशंका विमान बंदर रे हाई अलर्ट एपटे प्रतिशोध नेबा पाई बाइडेन देले चेतावनी अफगानिस्तान रे फसिथिबा भारतीयों को उद्धार पाई चली जोरसोर प्रयास प्रत्यावर्तन पाई 6टी स्वतंत्र विमान और अन्य देशर नि सहायता अफगानवासियों पर जारी है 6 मसिया जरूरी ई भिसा भारतीयों सुरक्षा पर समस्त पदक्षेप निया कहले एमईए मुखपत्र अरिंदम बागची शेषे आसंता काली ढेंकानाल रे कॉमन यूजर फैसिलिटर तैल डिपर भूमि पूजा जोगदेवे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी 395 कोटी टंकार पुंजनिवेश स्टोरेज क्षमता रिश्हजार किलोलिटर एथर संपूर्ण खबर कोरोना संक्रमण मामला ह्रास भितरे दिल्ली में खोलि स्कूल स्कूल खोलिबा रे निष्पत्ति नेछंती दिल्ली सरकार विभिन्न पर्याय दिल्ली में स्कूल खोलिबा को निष्पत्ति निया जाइछि सेप्टेम्बर 1 रु 9म 12 श्रेणी खोल यहापर सेप्टेम्बर 8 रु 6ष्ठ रु 8ष्ठम श्रेणी छात्र छात्री स्कूल खोल पिला स्कूल आसवाई अभिभावकों मंजूरी जरूरी स्कूल आसवाई छात्र छात्री बाध्य दिल्ली में स्कूल कॉलेज कोचिंग एक्टिविटीज़ शुरू की जाएं, पूरी सावधानी के साथ शुरू की जाएं और ख़ास तौर से जब स्कूल की बात आए तो धीरे धीरे शुरू की जाएं। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे शुरू की थी वैसे ही स्कूल खोलने की एक्टिविटी भी धीरे धीरे शुरू हो तो 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्कूल खोला जाएगा जो भी कॉलेज खोला जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सख्ती से पालन हो और किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए हाँ। स्कूल जाने का मन कर रहा है हाँ। क्यों मन कर रहा है फ्रेंड से मिलना हाँ। और स्पोर्ट्स पीरियड में तो और एक्टिविटीज वगैरह हाँ। तो जो कोरोना की थर्ड वेव आ रही है उसका डर नहीं लग रहा कोरोना क्या चीज है बढ़ में जाए कोरोना हमें क्या मतलब अच्छा क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो आप कोरोना ने इतना इतने सारे लोगों को बीमार किया इतने सारे लोगों की जान चली गई आपको डर नहीं लगता कोरोना नहीं तो ये क्यों है इसमें करने हाँ स्कूल जाने का मन कर रहा है और उसने हाँ। जो अपनी स्टेटमेंट दी है कि दिल्ली के स्कूल 1 सितंबर को खुल जाएंगे वो सीनियर क्लासेस के लिए राइट फ्रॉम 9th ऑनवर्ड टू 12th अभी दूसरी कक्षाओं के बारे में उन्होंने कहा कि जैसे भी हमें यहाँ दिखाई देंगे प्रोग्रेस दिखाई देगी उसके मुताबिक छोटी जूनियर क्लासेस को भी बाद में शुरू करेंगे और उसके बारे में जो डायरेक्शंस दी जाएंगी जो प्रोटोकॉल्स दिए जाएंगे उसको सब स्कूलों को पालन करना होगा और जो बच्चे आएंगे वो भी विद द कंसेंट लेटर ऑफ द पेरेंट्स जो पेरेंट्स कंसेंट देंगे कि हमारा बच्चा स्कूल में जा सकता है तो उसी को ही अलाउ किया जाए
बड़ लहर रो बड़ भय शिशु घातक कोरोना वायरस राज्य में करोन दुईज शिशुकन्या मृत्यु होती। मयूरभंज जिले में जड़े पांच मसर शिशुकन्या कटकु अन्य जड़े शिशुकन्या मृत्यु घटी सूचना मिली जहां एवं राज्य सरकार चिंतार कारण पलटि शिशु संक्रमण रोकवाक कौन पदक्षेप नहीं राज्य सरकार मुकबिला के प्रस्तुत उपात अंचल में पहुंची पार तो चिकित्सा ता बड़ प्रश्न हो ठिया हो देशरे कोविड संक्रमण लगातार भावे बढ़ुछि। गतकाली तुलनारे आज संक्रमण मामला 22% वृद्धि होइछि। गत 24 घंटे 46,164 संक्रमण मामला चिन्हट होइछि एवं 607 जनक करोनारे मृत्यु होइछि। देशरे मोट संक्रमितक संख्या 3.25 कोटिरे पहुंचिथिबा बेले मृत्यु संख्या 4.36 लक्ष रे पहुंचिछि। केरल संक्रमण मामलारे 30% वृद्धि होइछि। केरल रे गत 24 घंटे 31,445 मामला चिन्हट होता बेले महाराष्ट्र में 5,031 आंध्रप्रदेश में 1,601 तमिलनाडु में 1,573 एवं कर्णाटक में 1,224 मामला चिन्हट होती। उपरोक्त पांच राज्य 88.55% मामला चिन्हट होती। नुआ मामलार 68.12% केवल केरल में रही। तेज महाराष्ट्र में सर्वाधिक 216 जन करोन मृत्यु होता बेले केरल में 216 जन मृत्यु होती। स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुजाई देश में आरोग्य हार 97.63% रही। देश में टीकाकरण गतकाली 60 कोटी टपिछि। लगातार द्वितीय दिन धरी केरल रे संक्रमण मामला 30,000 अधिक रही। राज्य में सक्रिय मामला 1,00,000 टपिजा चिंतार कारण पलटि। राज्य में आज पुणी 30,007 मामला चिन्हट हो। गतकाली संक्रमण 31,445 केरल स्वास्थ्य मंत्री राज्य में संक्रमण वृद्धि पाई होम क्वारंटीन नियम उल्लंघन को दायी करते घरे संक्रमण बढ़ुता नहीं स्वास्थ्य मंत्री सतर्क करते। केन्द्र स्वास्थ्य सचिव अजय भल्ला आज केरल में कोविड स्थिति समीक्षा करते केरल में करोना मुकाबला भल्ला केतक परामर्श प्रदान कर भल्ला बैठक में उभय केन्द्र एवं राज्य सरकार वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केरल टेस्ट पॉजिटिव हार 19% अधिक रही। केरल संक्रमण पर देश में द्वितीय लहर अवधि बढ़ी। राज्य में पुणी 69 जीवन नहीं करोना। कटकु सर्वाधिक 38 और जगत सिंहपुर 9 मृतक रही। सेपटे 24 घंटे 816 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती। 475 क्वारंटीन और 341 जन लोकल केस रही। चिन्हट होता आक्रांत 18 वर्ष कम बयस 106 जन पॉजिटिव रही। खोर्धार 292 कटकु 116 बालेश्वर 46 जगत सिंहपुर 34 पुरी 20 स्टेटपोल 62 जन रही। राज्य में 8,271 एक्टिव केस रही बेले 98,884 जन सुस्थ होते। राज्य में पार्वण समय रे जारी रहिबो कटकणा। केन्द्र सरकार पक्षर एने सूचना दि जाइए स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। राज्य सरकार यहाँ नजर रखिंट सठिक समय रे राज्य सरकार पार्वण पर गाइडलाइन आने सर्विलांस और कंटाक्ट ट्रेसींग जारी रिति भल अच्छी आकलन अनुसार तृतीय लहर में पिक बढ़िपे तृतीय लहर पर सरकार प्रस्तुत थी स्वास्थ्य निर्देशक। मुँ कहली ना पार्वण में आम गणेश पूजा सब प्रकार पूजा आरंभ है। गणेश पूजा अच्छी दुर्गा पूजा अच्छी लक्ष्मी पूजा अच्छी आम मैंने भल भाव जानते आम सोशल डिस्टेंसिंग इज ए मेजर फैक्टर कंग्रिगेसन आम करवा ना से गोटे मेजर फैक्टर भारत सरकार भी आप गाइडलाइन अच्छी खाली तो आम ओडिशा पार्वण नहीं देश सारा पार्वण अच्छी तेणु सब प्रकार जिनस को विचार करके सरकार तरफ ठीक टाइम गाइडलाइन आसो आमर वर्तमान जोबले बढ़ पिक आस जोटा एक्सपर्ट मैंने दौंती आसी पारे आम तो एवरीडे आनालाइज करते आसूँ कौन आज आनालीसीस जहाँ अच्छी आम ठीक अच्छे आम भी जा 10,000 पिक कि जाइए द्वितीय लहर में 10,000 पिक जाइए भी आम सामना करते तेणु आमर जी टेक्निकाली दृष्टि मानने सामना सामने हवा कथा ये जिनसटा बढ़ कहु प्रडिक्शन कराऊँ आम से प्रस्तुत अच्छे।
ସିରିଜ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ କମ୍ପିଲା କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ 70ରୁ ଅଧିକ ମୃତ ଶତାଧିକ ଆହତ ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆମେରିକାର 13 ସର୍ଭିସ୍ ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ନୌସେନା ଓ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଖୁରାସାନର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କିଛି ଲୋକାଲ୍ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରେ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଅନୁସାରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବାହାରେ 3 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏଥିରେ 2 ଜଣ ସୁଇସାଇଡ୍ ବମ୍ବର ଥିଲେ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକ ସହ ରହିଥିଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଆମେରିକା ଦୂତାବାସରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଠାରୁ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଆଡ଼କୁ ନ ଆସିବାକୁ ନିଜ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବରୁନ୍ ହୋଟେଲ ଆଗରେ ହୋଇଥିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ତାଲିବାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ତାଲିବାନ ଗୋଟେ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କବ୍ଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋରାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବା ଦରକାର ଯେ ସାରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅକ୍ତିଆରରେ ଆଉ ସେଠି ଯାହା ବି ହଉଛି ଯାହା ବି ହବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଲିବାନ ସେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କବ୍ଜା କରିଛି ସେ ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମତେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଅରାଜକତା ତତ୍ତ୍ୱ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯୋଉ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ଦମନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଲିବାନ ତା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଢିଲା ପଡିବ ଆଉ ଗତ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଚାଖିଛନ୍ତି ତାର ନିହାତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନିଟେରିଆନ କ୍ରାଇସିସ ସିଚୁଏସନ ଆରମ୍ଭ ହିଁ ହବ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ନିହାତି ଭାବରେ ବିଗିଡ଼ିବ କାବୁଲ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିରିଜ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆମେରିକା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ ବୋମା ସହିତ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆମେରିକା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଆମେରିକୀୟ ବ୍ରଡ୍କାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନର୍ଥ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସିରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଆମେରିକା କାବୁଲରେ ଥିବା ନିଜର ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ଏପରି ସିରିଏଲ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ କାବୁଲ ଏବଂ ପୁରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ଆଫଗାନବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି 6 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 550 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତ ଅଣାଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 260 ଜଣ ଭାରତୀୟ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ଅରିନ୍ଦମ ବାଗ୍ଚି ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭାରତୀୟ ସେଠାରୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଫଗାନବାସୀ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭିଜା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 6 ମାସିଆ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଇ ଭିଜା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି Let me begin with the evacuation because I know a lot of queries you may be having on that. We have been sharing with you details of every evacuation flight. We've been putting out publicly details of who's on the flight, how many Indian nationals we've been. I think we have evacuated more than 550 people. There were, I think, 6 separate flights, either directly from Kabul or through Dushanbe. Of these, more than 260 were Indian nationals. Apart from And I mean, this does not include the Indian embassy personnel who have also been repatriated and brought out from Afghanistan. Separately, Government of India also facilitated the evacuation of Indian nationals through other agencies, I mean, other countries and partners. So that just gives you a sense of what the evacuation efforts have been. Of course, in this evacuation process, we were in touch with various countries. Particularly, of course, the United States, which is controlling Kabul airport, as you mentioned, in Dushanbe, the government
there, plus military flights overflew certain countries such as Iran. So of course that kind of coordination also happened, I would say even Uzbekistan, Iran, etc. नुआ रूपरे जालियाना वालावाग मेमोरियाल आसंताकाली एहाक उद्घाटन करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे प्रधानमंत्री का उद्घाटन रो कार्यक्रम रहिची 102 वर्ष पूर्वे अप्रैल 13 1919 रे अमृतसर स्वर्ण मंदिर निकटवर्ती थिबा जालियाना वालावाग रे 15,000-20,000 भारतीय एकत्रित होइतिले समस्ते सेठारे एक शांति सभार आयोजन करिथिले एही सभा स्वाधीनता संग्राम पई लडुतिबा नेतांको गिरफ्तारी एवं रवाल्ट एक्ट को विरोध करा जाउथिला सेही समय रे इंग्रेज जनरल डायर प्राय 100 जन सैनिकक सह सेठारे पहुंची आखिबुजा गुळी चालना करिथिला एही गुळी माडरो बर्तिबा पई बहु लोक कुओकु डै पडिथिले घटना रे 1000 लोकंकर मृत्यु होइथिला एवं 1500 रु अधिक लोके आहत होइथिले एबे जालियाना वाला बाग रे देश पई प्राणबळी देथिबा स्वाधीनता संग्रामी मानंकु श्रद्धांजलि जणाई एही मेमोरियल रो नवकळेबर करा जाइछि आसंताकाली ढेंकानाळर कमन यूजर फैसिलिटर तैल डिपो भूमिपूजन करेंगे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी जोठी 42,000 किलोलीटर एमएस एचएसडी इथानल और बायोडिजेल को संरक्षित रखा एथिपाई 395 कोटी टंकार पुंजनिवेश करेंगे इंडियान ऑयल बीपीसीएल एचपीसीएल 2023 सुधा प्रकल्प काम शेष करने को लक्ष्य धार्य रखा आसंताकाली ढेंकानाळरे कमन यूजर फैसिलिटर तैल डिपोर भूमिपूजा जोगदेवे केन्द्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ढेंकानाळ सदाशिवपुर कमन यूजर फैसिलिटर तैल डिपो 395 कोटी पुंजनिवेश कर इंडियन ऑयल बीपीसीएल एचपीसीएल प्रकल्प निर्माण और परिचालन प्राय 2,00,000 मानव दिवस सृष्टि उपकृत हेबो अनुगुल केन्दुझर देवगढ़ ढेंकानाळ जिला ढेंकानाळ सदाशिवपुर कमन यूजर फैसिलिटर तैल डिपो भूमिपूजन उत्सव में जोगदेवे केन्द्रमंत्री हरदीप सिंह पुरी केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान 42,000 किलोमीटर स्टोरेज क्षमता विशिष्ट स्वयंचालित तैल डिपो एमएस एचएसडी इथानल एवं बायोडिजेल को संरक्षित कर रखा ए प्रकल्प पर राज्य सरकार 49.671 एकर जगह किणव विशेषकर पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन खर्च ह्रास दिगरे विशेष लाभदायक हेबो एक कमन यूजर फैसिलिटर डिपो प्राय 50 एकर जमीन 395 कोटी व्यय इंडियन ऑयल बीपीसीएल एचपीसीएल मिलित सहभागित यार निर्माण कर डिपो द्वारा अनुगुल केन्दुझर देवगढ़ और ढेंकानाळ जिला विशेष उपकृत हो माननीय केंद्र मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी महोदय जो अभी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इंटरप्रेनरशिप के प्रभारी इंचार्ज हैं और माननीय केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी जो हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय के इंचार्ज हैं इनके कार्यक्रमों द्वारा माननीय एमओएस मिस्टर रमेश्वर तेली जो पेट्रोलियम विभाग के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और हमारे साथ जुड़े रहे हुए माननीय एमपी श्री महेश साहू और माननीय एमएलए श्रीमती सीमा रानी नायक उस दिन उस प्रोग्राम में मौजूद रह के अपने कर कर्मों द्वारा भूमि पूजन और इस प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे फाउंडेशन स्टोन लिंक सेरेमनी का एक हिस्सा बनेंगे ताकि ये कार्य हम आगे कर सके ये प्रकल्प निर्माण व परिचालन 2,00,000 मानव दिवस सृष्टि हेबो ए प्रकल्प परे भविष्य रे बीपीसीएल व एचपीसीएल मिलित सहभागित ध्रुता पेट्रोलियम कमन यूजर फैसिलिटर प्रकल्प स्थापन करिवार योजना अछि सेभले पश्चिम ओडिसा रो झारसुगुड़ा ठारे पेट्रोलियम टर्मिनल स्थापन पई बीपीसीएल रो प्रस्ताव अछि एथिपाई बीपीसीएल व एचपीसीएल सह मिसी 98 एकर जगह चिन्हट होइतिबा कहिसेंति इंडियन ऑयल रो राज्य मुख्य शुभजीत घोष जब ये कार्य होगा 2,00,000 मैन डेज का कंस्ट्रक्शन ये डिपो तैयार होते होते जो हमारा अनुमानिक समय है 31/8/2023 तक हम खत्म करना चाहेंगे 24 महीनों के अंदर और 2,00,000 मैन डेज का कंस्ट्रक्शन की हमको एक उपलब्धि होगी उसके बाद जब डिपो चलेगा वहाँ पे भी काफ़ी मैन पावर की जरूरत होगी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में उड़ीसा में
इस प्रयास से हम और आगे बढ़ जाएंगे। 2023 सुधा प्रकल्प काम शेष करने को लक्ष्य धार्य होइछि। तत्कालीन केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नेतृत्व में बीपीसीएल बलांगीर 44 टीएमटीपीए क्षमता विशिष्ट बटलिंग प्लांट निर्माण करा जाइछि, जहां रेकर्ड समय 19 मास भीतर कार्यक्षम होइतला। यहां आरंभ हेबा दिन ठारु प्लांट रे प्राय 25 लाख एलपीजी सिलिंडर करा जाइछि। ए बटलिंग प्लांट रे प्रतिदिन परोक्षरे 100 व्यक्ति को रोजगार जोगा जाउछि। भुवनेश्वर चिन्मय साहू को रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। टोकियो गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को नारे निर्माण हला स्टेडियम। पुणे स्थित सेना क्रीड़ा प्रतिष्ठान रे एही स्टेडियम निर्मित होछे। याको आज केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन करिछन्ते। उद्घाटन कार्यक्रम रे नीरज चोपड़ा निजे मध्य उपस्थित थिले। जो कुछ भी करना है गुमला केबल ने लौली का, और इसके प्रति हम लोग पूरी तरह से कमिटेड हैं। अली मैं समझता हूँ कि पूरे देश का खिलाड़ी इस हकीकत को जानता है, और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी भी खेल और खिलाड़ी दोनों को प्रोत्साहित करते रहने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया रे प्रशासक मानंकु निवेदन कले ओलंपिक गोल्ड मेडालिस्ट नीरज चोपड़ा। सोशल मीडिया रे तांको कमेंट रो अपव्यवहार न करबा पई नीरज अनुरोध करिछंती। निजो ट्विटर प्रोफाइल रे एक वीडियो शेयर करी नीरज कहिछंती अप्रीतिकर एजेंडा बा तांको मंतव्य को एक विवाद रो माध्यम करानो जाउ। क्रीडा आम समस्तंकु एकजुट हेबाकु शिक्षा दिए, एवं मंतव्य देबा पूर्वरु खेलर नियम जानिबा जरूरी अटे बोली नीरज कहिछंती। नीरज को एही वीडियो को सोशल मीडिया रे 36,000 थर रीट्वीट सह मिलियन। मैंने कहा कि जो एक जो जेवलिन है, पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरशद नजीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोर है उससे जेवलिन ली, तो उसका काफी बड़ा मुद्दा बना दिया है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं, पर उसको सभी थ्रोवर उसको यूज कर सकते हैं, ये रूल है। तो बिल्कुल ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जेवलिन लेके वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए, और मैंने अपनी थ्रो के लिए उसको मांगा, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे काफी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि ऐसा ना करें। स्पोर्ट्स सभी को मिलके चलना सिखाता है, और हम सभी जेवलिन थ्रोर आपस में प्यार से रहते हैं, सभी आपस में अच्छे से बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे। केन्द्र सरकार तरफ आज उद्घाटित होती दुईट वर्चुआल एक्जिबिशन। स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति अवसर में देशव्यापी पालित होता आजादी की अमृत महोत्सव अंशविशेष होती दुईट वर्चुआल प्रदर्शनी। प्रथम प्रदर्शनी ना मेकिंग अफ कन्स्टिट्यूशन रही बेले द्वितीय ना रही चित्रांजलि @75। मेकिंग अफ कन्स्टिट्यूशन एक इ फोटो प्रदर्शनी होता बेले द्वितीयटी एक पोस्टर प्रदर्शनी। यही प्रदर्शनी को उद्घाटन करिछंती केन्द्र सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर एवं पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी। भारत संविधान बाबदे परपीढ़ी को सचेतन करिबा एवं विगत 75 वर्ष मध्य भारत स्वाधीनता आंदोलन इतिहास और देश प्रेम को नहीं जो सिनेमा प्रस्तुत होती से बाबदे सूचना देवा ही इ प्रदर्शनी उद्देश्य। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में नो योर कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रोग्राम को भी चलाएंगे, ताकि देश के सभी जिलों में ऐसे कार्यक्रमों को किया जाए कि आज के युवा, हमारी युवा पीढ़ी उसमें पार्टिसिपेट भी कर सके, डिबेट भी कर सके, उसको आगे ले जाने का काम भी कर सके। क्योंकि हम सबका यह प्रयास भी होना चाहिए कि जिन सिद्धांतों और विचारों के साथ इसको बनाया गया था, हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान को और उसमें जो उल्लेख किए गए उनको भी रक्षित करें, प्रचार करें, उन सिद्धांत और विचारों को आत्मसात करने का काम भी करें। भारतीय वैज्ञानिकों को जुगांतकारी आविष्कार। भारतीय गवेषक तथा पदार्थ विज्ञानी माने मिलित भाव में महाकाश में थिबा तीनोटी ब्लैक होल बा कृष्ण गर्त आविष्कार करिबारे सफल होइछन्ते। सही तीनोटी सुपर मैसिव अधिक वस्तुत्व थिबा ब्लैक होल परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा आकर्षित हो एकाठी मिसिबा प्रक्रिया रे रहिछन्ते। यहा परे सही तीनोटी ब्लैक होल जो अवस्था रे पहुंचिबे ताकू ब्रह्मांड विज्ञान बा कस्मोलोजी रे ट्रिपल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस बोली कहा जाए। ए बाबद रे आज एक प्रेस विज्ञप्ति जरिया रे प्रकाश करिछि भारत सरकार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विद्या मंत्रालय।
कर्णाटक्रे थिबा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रो एक गवेषक टीम पेरिस रो एक गवेषक टीम सह मिसि ए बाबदरे गवेषणा करी आसुथिले जेउथिरे एबे सफलता मिलिछि। अधिक वस्तुत्व युक्त ब्लैक होल गुड़िको महाकाश रे ठाबो करबा साधारणत कष्टकर होइथाय कारण एगुड़िको कोनोसी प्रकारर आलोक विच्छुरण करि नथान्ति। मात्र निकटवर्ती विभिन्न आशायी आकाशीय पिंडर गतिविधि को लक्ष्य करी सेगुड़ी को आविष्कार करा जाई थाए जहाँ एक बहु जटिल प्रक्रिया एवं एथिरे सफल होती भारतीय पदार्थ विज्ञानी। एही तीनोटी ब्लैक होल रो ना रही NGC 7733, NGC 7734, NGC 7733N।